खबर है मिर्जापुर से। झोपड़ी में रहकर भी आसमान की बुलंदियां छूने की तमन्ना, क्या पूरे हो पाएंगे ज्योति के सपने? जी हां, बात कर रहे हैं, एक तरफ भारत 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी का दावा करने वाला है, वहीं बीसीसीआई इसी साल से महिला आईपीएल की भी शुरुआत करने जा रहा है। देश भर में खेलो इंडिया खेलो कैंपेन के जरिए टैलेंटेड प्लेयर्स की खोज जारी है। वहीं दूसरी कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी जरूर सुविधाएं ना मिलने की वजह से खुद को हताश और निराश के भंवर में ढूंढ रहे हैं। ऐसी ही एक टैलेंटेड महिला क्रिकेट खिलाड़ी ज्योति यादव हैं, जिनकी प्रतिभा ऐसे ही मौके मिले तो झोपड़ी में रहने वाली यह खिलाड़ी आसमान की बुलंदियां चूम सकती है। कौन है ज्योति यादव, आइए बताते हैं। जून 2022 में दिल्ली के कंझावल में अपने DLCL का क्वालिफिकेशन कैंपेन आयोजित किया गया। इसमें अपने पिता के साथ पहुंची यूपी की ज्योति यादव को सेलेक्ट किया गया, क्योंकि ज्योति ने क्वालिफाइंग राउंड में ही सेलेक्टर्स को प्रभावित किया। ज्योति दाएं हाथ की विस्फोट बल्लेबाजी करने के साथ ही तेज गेंदबाज भी हैं। कुल मिलाकर T20 क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन पैकेज है और ऑलराउंडर होने की वजह से उन्हें DLCL ने राजस्थान में होने वाले टूर्नामेंट के लिए भी सेलेक्ट किया गया। बता दें यह टूर्नामेंट जनवरी 2023 में खेला जाना है, लेकिन ज्योति की मजबूरी यह है कि उसने क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन आगे के ट्रेवल और रहने खाने की व्यवस्था करने तक के पैसे उसके पास नहीं है। ज्योति कहती है कि उनका सपना टीम इंडिया के लिए खेलना है, लेकिन बेहद गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने की वजह से उन्हें हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जापुर के आही गाँव की ज्योति यादव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आही तिवारी का पूरा गांव की रहने वाली है। पिता काशीनाथ यादव से क्रिकेट के गुण सीखने वाली ज्योति लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती है, और जब वे मैदान पर होती हैं तो लड़के भी उनकी काबिलियत पर तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाते। 5 बहनों और एक भाई के साथ बीच में चौथे नंबर की ज्योति, उनके परिवार को भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। आसपास रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि बिटिया का हर सपना पूरा हो जाए। मिर्जापुर से आफताब आलम की रिपोर्ट। मतलब अच्छा कोई एकेडमी मिल जाए तो मैं अंतरराष्ट्रीय तक होने का सफर पूरा कर सकती हूं। नाम आपका? ज्योति यादव। पिताजी का नाम पता बताइए। नाथ यादव, जिला मिर्जापुर। अरे गांव का नाम? गांव का नाम आई तिवारी का पूरा। माता का नाम मनोरमा देवी। कहाँ सिलेक्शन हुआ आपका? दिल्ली में। दिल्ली में सिलेक्शन, मतलब आप ऑलराउंडर हैं या फिर बैटिंग? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर बैटिंग वाले। और हमें अब राजस्थान मैच खेलने जाना होगा, और 15 जनवरी को मेरा मैच T20 पहला। घर पर कितने घंटे तक तैयारी करते हैं? 5-6 घंटे दिन, मतलब कि दिन भर। जब भी मौका मिलता है तब मैं चालू करती हूँ। ग्राउंड कहीं पर है, मैदान? नहीं, घर पे भी करती हूँ, एक है थोड़ा जगह है वहाँ पे भी करती हूँ। कोई मैदान या कोई कोच की व्यवस्था तो है नहीं? नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा आपको कोई मदद? मतलब क्षेत्रीय कुछ, मतलब कि जिला क्रीड़ा अधिकारी या कोई कुछ। कहीं आपने कभी संपर्क किया? नहीं, तो मालूम ही नहीं था। तो मिर्जापुर आप बता रही हैं कि एक बार इलाहाबाद गई थी, तो क्या ऐसा क्या हुआ था? वहाँ पे ज़्यादा पैसा लग रहा था, इसलिए हमें वहाँ से मतलब कि भगा दिया। एकेडमी में कौन सा एकेडमी? कौन सा एकेडमी था? मतलब कि एकेडमी का नाम तो मैं नहीं जानती। प्रयागराज के बगल में, मतलब स्टेशन।